सो हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम से ही बात करने वाले हैं ओप्पो के अपडेट्स के बारे में। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कलर ओएस 11 के बीटा अपडेट को और कलर ओएस 11 के स्टेबल अपडेट के बारे में। और दोस्तों, अगर आप ओप्पो A5, ओप्पो A9 2020 के यूज़र हो और साथ ही साथ में अगर आप ओप्पो F17 डिवाइस यूज़ करते हो तो वीडियो को देखते रहना शुरू से एंड तक। गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है और अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो यार आपका जो अपडेट है वो मिस भी हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम है नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और दोस्तों, जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे वहाँ पर हम आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं कि अपडेट आ चुका है, जल्दी जाके कर लो ताकि आप सभी को सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो जल्दी जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। तो चलो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने आप सभी को बताया था कि ओप्पो A5, ओप्पो A9 2020 के मॉडल्स को यहाँ पे अपडेट मिलने वाला है। और दोस्तों, कौन सा अपडेट मिलने वाला है, बिल्कुल स्टेबल अपडेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारा पिछले महीने के अंदर अपडेट आया था जिसके अंदर हम सभी को बीटा अपडेट देखने को मिला था। अब दोस्तों, जिन्हें नहीं पता बीटा अपडेट क्या होता है, मैं बता देना चाहता हूँ। बीटा अपडेट में दोस्तों आप सभी को सबसे पहले सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप उसे यूज़ कर पाओ और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आए आप उसे बता पाए कलर वेस वालों को, ताकि उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट कर सके, जिसकी मदद से वो हमारे जो सॉफ्टवेयर उसे इन्हेंस कर देते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। इसलिए जो बीटा अपडेट होता है वो कुछ ही लोगों को मिल पाता है, उसके बाद ही स्टेबल अपडेट देखने को मिलता है। तो पिछले महीने हमारे बीटा अपडेट आया था और इस मंथ दोस्तों स्टेबल अपडेट आने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर कौन से अपडेट को कौन सी डेट को आने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होगा और फीचर्स की वीडियो आने वाली है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात करें अपडेट की, मतलब कब अपडेट देखने को मिलेगा हमारे ओप्पो A5 या फिर ओप्पो A9 डिवाइस के अंदर कलर ओएस 11 का स्टेबल अपडेट। दोस्तों, यहां पे देखने को मिल जाएगा आप सभी को 26 मई को दोस्तों हमारा अपडेट आने वाला है, जो कि ओप्पो A5 2020 और ओप्पो A9 2020 को देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये बिल्कुल स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब ऑफिशियल अपडेट है, मतलब स्टेबल वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ओप्पो A9 या फिर ओप्पो A5 यूज़ करते हो 2020 का मॉडल, क्योंकि दोस्तों आप सभी को उससे रिलेटेड वीडियो देखने को मिलने वाली चैनल पे। और उससे पहले जल्दी जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैं आप सभी को सबसे पहले नोटिफाई कर देता हूँ, तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, अपडेट आने वाला है, काफ़ी थोड़ा सा दिन रह चुका है, तो आप सभी को अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि स्टेबल वर्जन का होने वाला है। बाकी आप नीचे कॉमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ओप्पो F17 यूज़र के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ है और उन्हें इस चीज़ को जानना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने आप सभी को बताया था कुछ दिन पहले, मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे दोस्तों मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि हमारा जो अपडेट है वो आने वाला है, ओप्पो F17 को कलर वैस 11 देखने को मिलने वाला है। और कौन सी डेट को बोला था, मैंने बोला था 25 मई को देखने को मिलने वाला है। बट यार, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोगों को अभी से ही अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को आज अपडेट मिल सकता है या फिर 26 तारीख को मिलेगा। और वैसे तो 25 को बोल रखा था, बट यहाँ पर अपडेट हमारा 20-21 तारीख से ही मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ जाके आप जल्दी चेक कर लेना, क्या पता आपको अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका हो। दोस्तों, क्या करना है, आप सभी को सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेटिंग होगा 3 डॉट का ऑप्शन, वहाँ पे जाके ट्रायल वर्जन जरूर चेक कर लेना, क्या पता आप सभी को भी ओप्पो F17 के अंदर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका हो। और दोस्तों, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को ओप्पो F17 के अंदर बीटा अपडेट मिला या फिर नहीं मिला। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होगी कि भाई हमें नहीं मिला, तो स्टेबल अपडेट जब आएगा, दोबारा अपडेट आएगा, उसके बाद आप सभी को अपडेट देखने को मिल जाने वाला है। उसके साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में आप सभी को अपना नंबर डाल देना है और सबमिट कर देना है। और फॉर्म आपको पता है कैसे करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके ट्रायल वर्जन का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप सभी को फॉर्म भर देना है, तो चेक कर लेना, क्या पता आप सभी को अपडेट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, यही वीडियो थी, अगर आपकी कोई और कन्फ्यूजन हो तो जरूर बताना और टेलीग्राम जल्दी ज्वाइन कर लो, कोई भी न्यूज़ आती है मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतनी, एंड टिल देन गुड बाय।